वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। राज्यसभा चुनाव से पहले ही बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायकों ने बुधवार को मायावती से बगावत कर अखिलेश यादव से मुलाकात की। यही नहीं, हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार के प्रस्तावक बने 10 विधायकों में से 5 ने आज अपना प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। इनमें से एक का तो कहना है कि प्रस्ताव पर उनके फर्जी दस्तखत बनाए गए हैं। बीएसपी ने इल्जाम लगाया है कि समाजवादी पार्टी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधायकों के निलंबन का ऐलान किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा है कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देंगे। बीएसपी ने विधायक असलम रायनी, असलम अली, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। इसके लिए अगर हमें बीजेपी को भी वोट देना पड़ा तो हम देंगे। सुनिए मायावती का ये पूरा बयान। से खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। मायावती ने कहा कि 1999 के केस को वापस लेना हमारी बड़ी गलती थी। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि मेरी पार्टी ने फैसला किया था कि अगर अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव को मौका दे रहे हैं तो बसपा उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के नेता से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया और राज्य के सभी ब्राह्मण समुदाय के लोगों का अपमान है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी शासन के दौरान माफिया गुंडे राज्यों पर कैसे राज करते हैं, वह फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा के 7 विधायक बागी हो गए। माना जा रहा है कि सभी बागी विधायक जल्द ही सपा ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।